डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अबूझ माड़ की नक्सल मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के ढेर होने के बाद नक्सलियों के राष्ट्रीय संगठन को मुख्यधारा से जुड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नारायणपुर बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में 8 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। जवानों के शौर्यवान भुजाओं का यह आधार है। ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है, साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है, और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी से सरकार को लिखे गए पत्र पर डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ऑपरेशन जहां जरूरी हो जाए वहां करना होता है। चाणक्य की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वही राग अलापने से कुछ नहीं होने वाला। नक्सलियों से आग्रह है कि आप वार्ता करें, हम क्रांतिकारी हैं तो भला सरेंडर के साथ वार्ता कैसे करेंगे। मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, सेंट्रल कमेटी अगर बात करती है हर्ष का विषय है, अगर दूसरे कोई समूह हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में बड़ा फ्रैक्शन है, मुझे पता चला है, मतलब ये है कि टॉप कैडर सारे आंध्रा तेलंगाना के हैं और नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मतलब या तो सामान लेकर चल रहे हैं या फिर सामने फ्रंट पर जा रहे हैं, ऐसा सब है उनके साथ। टॉप कैडर जो हैं वो तेलंगाना के हैं, तो वो उनका अपना ये रहता है, इसीलिए जा करके वहाँ ज़्यादा सरेंडर करते हैं। तो उन सारे लोगों से भी मेरा फ्रैक्शन भी है आपस में, जो भी बात करना चाहे सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों के को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूँ। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। गरियाबंद के फिंगेश्वर में नशेड़ी सिरफिरे युवक ने लोहे की रॉड और ब्लेड से नगर पंचायत कर्मचारी राजू सोनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ कर्मचारी जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हड़कंप मच गया। नशेड़ी सिरफिरे युवक के आतंक से वार्ड वासियों में दहशत है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। धमतरी जिले में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। शातिर चोर सूने मकानों को अपना निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के गहने बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रवीण चंद इसार करके बठेना पारा का है, 21 तारीख की रात को नगरी गया हुआ था, तो उसके पड़ोसी ने इसको फोन करके बताया कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है। तो फिर सवेरे ये वापस आकर के इसने देखा तो अलमारी वगैरह टूटा हुआ था, गहने वगैरह इसके गायब थे। तो इसकी रिपोर्ट पे चोरी का अपराध दर्ज किया गया था। तो आसपास मौजूद जो सीसीटीवी फुटेज थे और मुखबिर को सक्रिय किया गया तो 2 संदिग्धों का नाम पता चला, जिसमें से एक है सुरेश तिवारी टिकरा पारा का और दूसरा है दीपक उर्फ बबलू साहू स्टेशन पारा का। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा को SC ST OBC विरोधी सरकार बताने वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, विगत 4 से 5 साल में हिंदुओं में जाति प्रथा थोप दी गई, भले मूलतः वे मानते नहीं, कहीं प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी थोप दिया गया। प्रमाण पत्र वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाया गया है। जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में OBC के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी OBC के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जाँच हो। झीरम मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, हम भूपेश बघेल से आग्रह करेंगे, अगर वे कह रहे हैं उनके जेब में सबूत है तो वे उसे जांच कमेटी के सामने रखें। गिरेबान पकड़ने वाला मामला ही नहीं है, वो काफी वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जाँच डॉक्टर मन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही। तो माने भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है, मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए, टटोल नहीं गया।
झराम घटना की जांच को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद झीरम कांड की जांच NIA करेगी। गृहमंत्री से भी हमने मांग की थी, NIA को भी हमने पत्र लिखा था, हमें जांच नहीं सौंपी गई है। इसलिए नहीं मिला है कि NIA ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को, उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने NIA भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी के सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मजाक कर रहे हैं कि आपके जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरे जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और NIA की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं, NIA सही दिशा में जांच करेगी। केंद्र हम सरकार में आते हैं तो NIA जांच करेगी। NIA पंगू बनाकर रखा है, EDIT को पंगू बनाकर रखा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये स्थिति सरकार की।